रखने वाले हैं। सबसे पहले जय श्री महाकाल लगा दीजिए। और बता दूं आपको कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश में फिर से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ सकती है, उसके लिए संकेत मिल चुके हैं। मैं आपको पहले वीडियो दिखाऊंगा, फिर आपको यह भी बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है। लेकिन उसके पहले हम सब एक मांग करेंगे कि यह जो भर्ती है अब पीबी के माध्यम से ना कराई जाए, क्योंकि जिस तरीके से भर्तियों में गड़बड़ियां हो रही हैं, पीबी पर से भरोसा उठ गया है। तो कोशिश जारी है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से निष्पक्ष रूप से अपनी भर्ती करवाई जाए। तो एमपी पुलिस पटवारी के लिए आप चाहें तो एलआईजी और भवरकुआ पर हमारी नई कोर्सेस चालू हो चुके हैं, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक वीडियो देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे की जानकारी। लेकिन पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कब और कैसे होगी परीक्षा और इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। भर्ती में पुलिस को आप तो अभी से तैयारी कर लो, 10,000 का बीजे ने कहा हमने 5,000 भर्तियां और कर दी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल हमारी गृह विभाग की बैठक, आप कैसे उसको करना है, हमने पहले भी कह दिया, अभी भी कह दिया कि आप उसको भर्ती प्रारंभ करो। किसके माध्यम से हो? कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हो। किसकी? कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये परीक्षाएं हो, ये हम चाहते हैं। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी दोस्तों, हमारी तरफ से हम आपके लिए बहुत ही सारी बात। और हाँ, हम आंदोलन के लिए 9 तारीख को भोपाल जा रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप लोग वहां पर प्रस्तुत रहकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। 9 तारीख को सुबह 11 बजे नीलम पार्क आएं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।